ओय शक्ल कबीबी शक्ल कबीबी शक्ल कबीबी कितना लकी माया का देखो कहाँ जाके बैठ गया टच वुड। अब आप कुछ बोलिए। क्या बोलूं? यही कि आई लव यू टोपी डा टोपी। बाप रे क्या सुर है। सुर नहीं ससुर है, इधर देख। अबे तू। हाँ ये माइक मैन नहीं लाइट मैन है, वो भी एकदम ऑर्डिनरी। यू स्काउंडरल। अबे चुप उधरे चमन गधे बुढ़ो। तेरी तो तेरे को उठा कर ले जाए कुत्ते के डिब्बे में डाल दूँ। अबे वो लड़की आई लव यू तक बोल चुकी थी और तू तेरा कलेजा जलने लगा जो अंगार फूंक रहा है। अबे बगर पानी के मगरमच्छ टू मच। बोल मत। तू पहले मेरे को ये बता तू मेरी बेटी मैगी से शादी करेगा या नहीं। मेरे को शादी की तारीख पक्के करनी है। चुप कर फटी बांसुरी। जरा फूंक न मारा और बजने लगता है। मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा। तू मैगी से शादी नहीं करेगा। अबे तू चाउमीन तेरी बेटी दो मिनट के नूडल हटे ले। मैं शादी करूंगा। तू मैगी से शादी नहीं करेगा। नहीं। फिर मैं तेरे वीक स्पॉट पे टच करूंगा। तू टच करके बता। टच करूंगा। तू टच के बता भाईजान। हां यस। जरा इनसे पूछिए बात क्या है। क्या बात है? आप बीच में मत पड़िए सर। क्या बे छक्के? क्या बोला? क्या बे छक्के? मिस इडियट कहीं का। क्यों अब मैगी से शादी करेगा या नहीं? चुप बे। सर पे घास नहीं बदन में सांस नहीं। टोपी की वीकनेस को टच करता है। जा तेरी बेटी से मैं शादी नहीं करूंगा। टोपी तुम्हारे लिए फोन। एमडी ऑन द लाइन। हेलो टोपी। सर तुमने हमारे क्लाइंट को छक्का बोला। सर आई हैव वन वीकनेस इन माय व्हाट डू यू कॉल कवर इन इंग्लिश। हिप। हिप समबडी गुदगुदी इन माय हिप। बोलिंग जाबे छक्के। डोंट जोक विद मी टोपी। आई वांट एन एक्सप्लेनेशन नाउ। जाबे छक्के। व्हाट यू आर टेलिंग मी? चुप रहे ना कुत्ते। कुत्ते? कुत्ते ने सर। जाबे छक्के। यू इडियट यू आर इमीडिएटली फायर्ड आउट। टोपी अब मेरी बेटी मैगी से शादी करेगा ना। चल फोड़। अरे भाई मेरी तो नौकरी गई यार। एमडी को जरा समझाना मेरी कमजोरी के बारे में प्लीज। चल तू बैठ पहले। हाँ बता क्या है तेरी कमजोरी। अरे वही यार जब भी कोई मेरी कमर टच करता है ना तो मेरी जावे छक्के। क्या बोला? अबे गाड़ी रोक। अबे छोड़ के कहाँ जा रहा है? अबे गाड़ी रोक। अबे मैं छत पे बैठ के जाऊंगा यार। रोक तेरे बाप बैठ जाओ भाई। अबे टेम्पो दादा आया। टेम्पो दादा आ गया। सलाम टेम्पो दादा। नमस्ते दादा। अरे निकाल लीजिए साहब। निकाल नाम देव। हेलो दादा। हट पटे। आया दादा। क्या दादा? ये अपने एरे में तेल वाला कौन रहता? बहुत फुदक रहेला। इसको हैरान कर रहा बेचारे को। अपना आदमी है। चलो दादा तेल निकाल के आते हैं। चाली किधर है तेरा? ये बाजू। ये बाजू चलो। चल तेल वाले बाहर निकाल। कुछ आवाज आई क्या वहां से? नहीं तो देखा डर गया तेल वाला। स्टॉप। अबे चाली खाली कर नहीं तो शमशान घाट में अपने नाम की लकड़ी बुक कर ले। बाहर निकाल। कौन है रो? कौन है मेलिया? अभी अभी मरद का आंख लगा उठाने को आ गया। तेरे मरद को बोलना टेम्पो दादा की शक्ल में उसकी मौत आ गई। क्या बाहर निकाल इसको। अबे जिंगिया इधर दादागिरी किया ना तो पापलेट में जैसा मसाला भर के तेरे को तवे पे तल देगी। चल फोट। दादा ये बाई बहुत खतरनाक लगती है। सच्ची? ए तेरे से कौन बात करेला यार। ए तेरे वाले बाहर निकल। अबे औरत के पेटी कोट में क्या छुपेला? बाहर निकल तेरी तुम। ए ए चल 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 चल। पूरी दुनिया जानती है टेम्पो दादा कभी औरत पे हाथ नहीं उठाता है। देख रख दिया है सुबह रात। अरे वाह। तो अभी दादागिरी काय को करता है? बांगड़ी पहन के मच्छी चील। तेरी
ज्यादा नन्नो नहीं क्यों? चल अंदर जा और उस सुकड़िया को बाहर भेज। अबे साथी बड़बड़ मत कर, ये झाड़ू है ना पूछ की तरह चिपका के मोर बना दूंगी। हाँ ये देखा, ये रामपुरी है समझे। ए हलकर, तू मेरे को चाकू दिखाता है? खैर तो साला हरामी, शहर में तेरे को दिखाती है काम में लिया। ए आगे नहीं बनना, ए चाकू दिखा दे। ये क्या तेरी साला हरामी, अरे नाटक नहीं मंगता था। अरे अरे गुलेल छोड़ो और जल्दी से कोर्ट चलो। कोर्ट? कोर्ट क्यों? अरे केस मिल गया आदत भैया, गांव से एक हरामी जमींदार आ गया है, उसको अच्छे वकील की जरूरत है और उसके पास एक बैग भी है जिसमें 1,00,000 रुपया है। खाली बाली आइए सर जी, आइए बैग में बैठ। वो देखिए, वो रहे मशहूर वकील कालीचरण विश्वनाथ जी। क्या सर जी, जल्दी जल्दी चले जाएंगे वो। चलिए चलिए। वकील साहब ऐसा मत कीजिए, एक आप ही तो हैं जो मुझे इस खून के इल्जाम से बचा सकते हैं। जरूर बचा सकते हैं, लेकिन 1,00,000 रुपए लूंगा। हमें मंजूर है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। साहब साहब साहब, ये बड़ी दूर से आए हैं साहब, इनका केस ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी साहब। केस क्या है? हम अपने गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं वकील साहब, हमारे खेत में तकरीबन 300 मजदूर कुत्ते काम करते हैं। इन कुत्तों को पिछले 10 वर्षों से हम 10 रुपए मजदूरी देते आए हैं वकील साहब, अब वो हरामजादे 12 रुपए मजदूरी चाहते हैं। अब आप ही बताइए वकील साहब, मेरी जूठन पर पल्ले वाले जब मुझसे बदतमीजी करें, मुझसे जबान लड़ाएं, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बस मैंने अपने आदमियों से थोड़ी सी उनकी पिटाई करवा दी। और वकील साहब मुझे क्या मालूम था कि एक मजदूर कब्र में पांव लटकाए अपनी मौत का बहाना तलाश कर रहा था, एक ही लाठी में साला मर गया। और वकील साहब अब उन हरामजादों ने मुझ पर केस कर दिया है कि मैंने उनके एक आदमी को मार डाला। आप ही बताइए मुझे वकील साहब। कमीने, अपनी मेहनत और खून पसीने से कमाई हुई मजदूरी मांगने वाले को तू नमक हराम कहता है? तुझे मालदार बनाकर खुद गरीबी की जिंदगी बसर करने वाले मजदूर को तू कुत्ता कहता है? काम के मुताबिक मजदूरी मांगने पर तू उनका खून करवाता है? आजाद भैया होश में हो, क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसा पूछेगा सरकारी वकील तो जानते हो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या? मैं फौरन दफा 420 उठाकर यहाँ रख दूंगा। दफा 420? हाँ 420। फिर सरकारी वकील क्या करेगा मालूम? क्या? वो दफा 840 उठाकर यहाँ रख देगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगा, मैं दफा AK-47 उठा लूंगा। AK-47? ये तो किसी बंदूक का नाम है ना? बेवकूफी मत करो, वकील साहब नाराज रहेंगे। कोई बात नहीं, आज निर्दलीय समझ जाएंगे तो फिर वो सरकारी वकील क्या करेगा, वो दफा 225 लगा देगा, लेकिन मैं नहले पे धरा लगा दूंगा। वो ताला लगाएगा, मैं मीसा लगा दूंगा, वो अंदर करेगा, मैं बाहर कर दूंगा, और इस अंदर बाहर के खेल में आखिर में दफा 9-2-11 उठाकर उनके मुंह पर मारूंगा और आपको केस से छुटकारा मिल जाएगा। यू विल विन द केस। आपका बैग। जज साहब ने आपको सलाह मशवरा के लिए अंदर बुलाया है। जज साहब क्या आदमी है, यानी जज साहब भी उससे मशवरा करते हैं। टैक्सी टैक्सी, ये टैक्सी वाला भी बगैर किराया लिए चला गया। क्या चाहता है, बैग भारी कैसे हो गया?